अभी दो दिन पहले देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से विजयदशमी मनाई गई, लेकिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान देश के कई हिस्सों से हिंसा और उपद्रव की खबरें आईं। इसमें सबसे बड़ा बवाल यूपी के बहराइच में हुआ। पुलिस और चश्मदीदों की माने तो जिले की महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में कल विसर्जन के लिए 15 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमा ले जाई जा रही थी, तभी महाराजगंज कस्बे के एक धार्मिक स्थल के पास तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डीजे बजाने के विवाद के बाद विशेष समुदाय के कुछ लड़कों ने जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे कुछ दुर्गा प्रतिमा खंडित हुई। इस घटना से नाराज पूजा समिति ने विसर्जन को ही रोक दिया और वहां बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इसके दौरान ही मृतक राम गोपाल मिश्रा, 22 साल के राम गोपाल, जिस घर के पास से पत्थरबाजी हो रही थी, उसी विशेष समुदाय के घर की छत पर चढ़कर वहां जो झंडा फहराया गया था उसे तोड़कर उसने फेंक दिया और उसकी जगह पर एक भगवा ध्वज गोपाल ने लहराया। उसी वक्त दूसरे समुदाय के लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को घर में खींच लिया और तथाकथित तौर पर उन्हीं लोगों ने उसे गोली मार दी। एक चश्मदीद के मुताबिक मृतक के नाखून भी प्लास से उखाड़े गए। उधर जब पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया गया और भीड़ को भी खदेड़ा गया। राम गोपाल मिश्रा को गोली लगने के बाद ही मेडिकल कॉलेज जब लाया गया, उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अब इस घटना के बाद वहां बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। दूर दूर से भीड़ मौके पर पहुंचने लगी तो पुलिस ने आरोपी सलमान सहित 25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस एक्शन के बाद भीड़ शांत तो हुई और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन देर रात कर दिया गया। रात में तो भीड़ शांत हो गई, लेकिन आज सुबह हजारों की संख्या में भीड़ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ ने कई दुकानें और गाड़ियां आग के हवाले कर दी। एक गाड़ियों के शोरूम को भी आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए थे, लेकिन नाराज भीड़ ने डीएम और एसपी को घेर लिया और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग करने लगे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। उधर सीएम योगी के निर्देश के बाद हरदी थाना के एसएचओ और चौकी इंचार्ज अब सस्पेंड कर दिए गए। उस वक्त गाना बज रहा था और लोग रोकने आए थे, लेकिन ये भैया नहीं रुके तो पत्थर मारे तो मूर्ति पे लग गया, तो भैया झंडा लगाने चले गए थे, बस वहीं पे घसीट के लेके गए, पैर से नाखून निकाल दिए तो गोली मार दी। हमारे लोग के आदमी यहाँ इकट्ठे हुए बचाने के लिए तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। अच्छा, लाठीचार्ज भी हुआ था? लाठीचार्ज भी जी 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 जी। आवाज भाई डीजे के मामले भरा कुछ, ये लोग कहने की डीजे बाजा नहीं बजेगी। अच्छा, तो कहें हमारे तुम्हारे धर्म में होता तो हम लोग आप जैसा नहीं करते हैं, और हमारे धर्म में जो होता है तुम लोग आप जैसा करते हो, उसी बात पर ये लोग चट्ठा मार दिए उसको। एक काला झंडा लगा था यहाँ पर, तो कुछ रेवा मंसूर के थे तो काला झंडा उतार दो, कहीं नहीं उतारेंगे तो वो उतार दिए। पर उधर से गोली लोग चला दी, तो गोली चला दी जब भी तब वह पर पब्लिक जनता दिखाईगा है कि वो मर गया तब का तोड़ा तड़ा गया। जिस बंदे ने मारा है उसके यहाँ AK-47 दो हैं, ये पुलिस वाले जांच की मैं सब समझ रहा हूँ मेरे भाई, हम उसी लिए आए। गाना बज रहा था, गाना में एक युवक आया और उसकी लीड निकाल लिया। जिस व्यक्ति ने लीड निकाला था गलती तो उसकी थी, हमारा मौलिक अधिकार है, हम जा रहे हैं माता जी को लेकर के जा रहे हैं, भक्ति का गाना बज रहा है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, उसको उठा करके ले जाना चाहिए थाने पे, कोई समस्या ना होती। हिंदुओं पे लाठी चार्ज कर दी गई। किसने गोली मारी? मोहम्मद हमीद के लड़के ने जी। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेके तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए, उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया। पर बात सिर्फ बहराइच की ही नहीं, बल्कि देश के कई शहरों में हिंसा और उपद्रव की खबरें बीते 48 घंटे में आ चुकी हैं।
यूपी के गोंडा में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। कुशीनगर में दो दुर्गा पंडाल के पास पत्थरबाजी का मामला सामने आया। यूपी के ही महाराजगंज में 12 अक्टूबर को डोल नवरात्रि जुलूस में उपद्रव की घटना हुई। कौशाम्बी में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। झारखंड के गढ़वा में कल विसर्जन रूट के लिए दो पक्षों में जबरदस्त विवाद हुआ। तो वहीं हैदराबाद के सिकंदराबाद में मंदिर में जाकर मूर्ति तोड़कर उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा पर राजनीति भी जोरों पर है। बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर देश को कमजोर करने की ये कोशिश है। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि माहौल ही इस तरीके से खराब कर दिया गया है पिछले 10-11 सालों में कि अब उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़े सवाल जो अड़ी पर हम पूछ रहे हैं वो है सीधे, देश का सामाजिक माहौल आखिर कौन बिगाड़ना चाह रहा है? चुनाव से पहले हिंसा का क्या पॉलिटिकल साजिश रची जा रही है?